Hello everybody, I CA Manoj Kumar Jain from micecareer.com welcome you to my video classes. और बेटा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बढ़िया चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन और उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ये क्वेश्चन जो है मैंने बड़ा अच्छा आपके लिए सिलेक्ट किया, आप इसको करें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी. पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको गुडविल के कॉन्सेप्ट आते हों. अगर आपको गुडविल के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, आपने गुडविल पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो आप बेटा मेरी वीडियो क्लासेस ले सकते हैं जिसके द्वारा आप इस टॉपिक पे बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं. मेरी वीडियो क्लासेस के लिए आप micecareer.com पे जाएं. और हाँ, आप इस क्वेश्चन को एज टेस्ट भी ले सकते हैं. आप वीडियो को पॉज करें, अपने आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद मेरी वीडियो को स्टार्ट करें, अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करें और उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की, ताकि आप भविष्य में वो गलती ना करें. ओके, अब आप ट्राई करिए. आइए 18th क्वेश्चन करते हैं बेटा. एक अच्छा क्वेश्चन. सबसे पहले assumptions के लिए एक पेज छोड़ देता हूँ, जरूरत पड़ी तो. ठीक, आज कौन कौन से साल के प्रॉफिट दिए होंगे? दो हजार चार, 2005, 2006. तो पहले ले लेते हैं कैलकुलेटिंग. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. Yes. 2004, 2005, 2006. Profit after tax. 210,000. 190,000. 200,000. ठीक, अब आइए स्टार्ट करते हैं. कहता 2004 में पहले साल एक 50,000 की मशीन खरीदी थी जिसकी हमने कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करी. ठीक है मैम, रेक्टिफिकेशन कर दे. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली शोन एज एक्सपेंस. ठीक, कौन से साल में? 2004 में एज एक्सपेंस के दिए की बात, रेवेन्यू कर. आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस 50,000 प्रॉफिट बढ़ जाएंगे. ठीक, डेप्रिसिएशन ऑन अबव कितना हो जाएगा? कितना परसेंट है? लास्ट लाइन भी दिया हुआ है 10%. रिड्यूसिंग बैलेंस, तो पहले 5,000, फिर 4,500, फिर 4,050. कैसा लगा, मजा आ गया? उसके बाद स्टॉक कहता है 2005 का ओवर वैल्यू था. स्टॉक ऑफ 2005 ओवर वैल्यू, तो इसको कम कर दो,
तो लैंग्वेज फॉल्ट नहीं है, स्टॉक इज की जगह वॉज नहीं होना चाहिए था, ठीक। तो मैं ये मान रहा हूं लैंग्वेज को कि वो कह रहा है कि स्टॉक हमने तब ज्यादा दिखा दिया, तो अगर हम उसको ठीक करेंगे 10,000 से तो 2,000 का प्रॉफिट कम हो जाएगा 5 का और 2,006 का बढ़ जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है 2005 का वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 2006 का। अब अगर दोनों की वैल्यू घटाऊंगा तो क्लोजिंग स्टॉक घटने की वजह से 2005 का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे आता है, 2006 का ओपनिंग स्टॉक घटने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड पे आता है। और मैं ये मान रहा हूँ कि कह रहा स्टॉक हमने ज़्यादा वैल्यू किया हुआ था। जब हम एक्सपेंस को एसेट बनाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एक्सपेंस कम करेंगे एसेट बढ़ाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब एसेट बन गई तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो नहीं लगा, तो डेप्रिसिएशन तो लगाऊंगा। अच्छा, डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 5,000 इन 2006। अब इसका पॉइंट समझो, अगर ये बैड डेट्स है, रिपीट, अगर ये बैड डेट्स है क्या है, तो इससे 2006 के प्रॉफिट भी तो कम हो जाएंगे। अगर इसको अब अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स मान लो कि डेटर्स जो है 2006 के अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स है, तो एस डेटर्स की वैल्यू तो कम होगी होगी, 2006 का प्रॉफिट नहीं कम हो जाएगा। सोचो, और सब ओल्ड फर्नीचर को कह रहे हमने बेचा है, उसका भी लॉस दिखाना चाहिए। हम यही मानेंगे ना, ये चीजें अनरिकॉर्डेड है, रिपीट, ये चीजें क्या है, अनरिकॉर्डेड। तो नोट दे देते, रिडक्शन इन डेटर्स हैज बीन टेकन एज बैड डेट नॉट रिकॉर्डेड, हेंस प्रॉफिट एज वेल एज डेटर्स हैव बीन रिड्यूस्ड। क्या सर, रिड्यूस कर दो तो बैड डेट ही मान लो, प्रोविजन कर दो, प्रोविजन करने से डेटर थोड़ी रिड्यूस होते। होता तो उसमें ये उसके अलावा मानते, अगर तो प्रोविजन के अंदर ही इंक्लूडेड है फिर तो चक्कर ही नहीं। दूसरा, सेल ऑफ फर्नीचर has been assumed to be an unrecorded transaction for 2006, hence has been recorded। समझिए, अब इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, फर्नीचर 10,000 से कम होगा, प्रॉफिट 4,000 से कम होगा, और कैश या फर्नीचर डेटर्स अगर पैसा नहीं आया वो 6,000 से बढ़ जाएंगे। सोचो, ये क्लियर नहीं है कि कैश पर बेचा है, अगर कैश पर बेचा होता तो फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं होता। तो हम ये मान लेते हैं इसको क्रेडिट पर बेचा, अभी पैसे आए नहीं होंगे तभी अनरिकॉर्डेड रहेगा। कैसा लग रहा है, कोई चीज अनरिकॉर्डेड कब रहती है, जब कैश ना आए, ऐसा मान ले, बाद में कंसीडर करेंगे इसको। तो अभी तो यहां लिख दूं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 4,000। फिक्स एसेट कह रहा है उनकी वैल्यू 5% बढ़ाओ, डेप्रिसिएशन सिर्फ मशीनरी पे लगाना है। अब ये भी समझो जरा, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ये तो लास्ट में लगा ले फ्यूचर के लिए, जो कॉमन ट्रांजेक्शन है तो लास्ट में कर लेंगे ना, ये तो कॉमन हो गई ना, इसको बाद में देखेंगे, याद रखना एक बार ये सारे पॉइंट्स फिर पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि रिस्क है।
हैं? मैंने करा नहीं, कितने हैं? 5,000 से गुड गर्ल रह गया था लिखना, ऊपर नोट दे दिया, लिखना रह गया। अब आओ इन्वेस्टमेंट पे, कहता 20% ट्रेडिंग है, बैलेंस नॉन ट्रेडिंग है। ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड 20% बिलो कॉस्ट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज ऑन 1 जनवरी 2005। 50% ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वर रिक्वायर्ड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वर रिक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2005 एंड रेस्ट ऑन 1 जनवरी 2004। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स acquired in 2004 80% है ना नॉन ट्रेड। देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 लाख का 80%, 240 का 50%, 120 acquired in 2005, 120 और अच्छा लिखना था, 1-1-2004 1-1-2005 ठीक राइट। अब इस पर इंटरेस्ट कितना बोला उसने, 10%, तो इसका तो 12,000 तीनों में से लेस होगा, दिमाग लगाओ। और इसका 12,000 लास्ट दो में से लेस होगा, इसका 12,000 लास्ट दो में से लेस होगा। कैसा लगा भाई, है मजा आ गया, अच्छा हो गया पढ़ने में, है। नेक्स्ट कहता एक्सपेक्टेड इंक्रीज, ये कॉमन है बाद में देख लेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉमन है बाद में देख लेंगे, इन सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रिटर्न बाद में आएगा, करंट इनकम टैक्स वगैरह बाद में आएगा। अच्छा एक बार ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना बना लें थोड़ा सा, क्योंकि हम ये सारे खर्चे ले लें ना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेना चाहिए था, हमने क्या ले लिया, आफ्टर टैक्स, दिक्कत आएगी। तो यहाँ ले लेते हैं, इसमें कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1-t। तो टैक्स पुराना कितना है, 50%, तो कर दो भाई, तो 2,10,000 वाले कितने हो जाएंगे, 4,20,000, 1,90,000 वाले कितने हो जाएंगे, 3,80,000, और 2,00,000 वाले कितने हो जाएंगे, 4,00,000। अब इनको टोटल कर लो, एडजस्टेड प्रॉफिट, देखना कितना आता है। बताते जाओ ना, थ्री लैख और बताओ बेटा, बताइए ना, गलत थ्री लैख फिफ्टी
3 लाख 9 चल अबे यार मजे ले रहे हो अभी मैं डाटते रहे 72 चेक कर लो ठीक है देख लो ना तो बाद में सारा गलत हो जाएगा क्या फायदा अभी तो जो कटिंग हुई है कोई बुराई नहीं है फिर से चेक कर लो ना अब देखो एवरेज प्रॉफिट बताओ क्या आएगा जोड़ के डिवाइड बाय 3 3 लाख 152 50 अब सुनो डेप्रिसिएशन ऑन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10% अब सुनना ध्यान से जरा ये पॉइंट देखो प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में कितने की है 10 लाख सुनना ध्यान से इंक्रीज इन वैल्यू कितनी बताई एसेट्स की थर्ड पॉइंट में 5% तो जब ये 5% लोगे तो ये 10 लाख प्लस वो जो अनरिकॉर्डेड प्लांट एंड मशीनरी उसका नहीं लोगे एक 50,000 की प्लांट एंड मशीनरी अनरिकॉर्डेड ही थी जिसमें डेप्रिसिएशन लगा था 5,000 4,500 4,050 निकालो उसकी वैल्यू क्या होगी लिख दो 50,000 माइनस 5,000 चलो मैंने लिख ही दिया माइनस 4,500 माइनस 4,050 अब इसको निकाल कर इसका 5% फिर उसका 10% निकालो बताओ क्या आएगा 10 लाख में 36,000 जो भी जुड़ना है जोड़कर उसका 5% फिर 10% क्या आ रहा है 82.5 तो 3 ले लो ज्यादा क्या सोचो थर्ड पॉइंट हो गया फोर्थ हम कर चुके हैं फिफ्थ एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेक्टेड कह रहा है फिफ्थ पॉइंट 20,000 हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इन फ्यूचर कितना हो गया 30,000 बस और तो कुछ नहीं है ना है अब निकालो फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग बिफोर टैक्स कैसा लगा माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 40% वन लैख 87 ही कर दूं फ्यूचर मेंटेनेबल
अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या थी? 2,80,000। कैसा लगा? मजा भी आया कुछ? समझ गए कि सारी गेम किसकी है? एजम्पशन, और कोई चारा भी नहीं है ना, यू हैव नो अल्टरनेटिव। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक, पहले नाम लिख लेता हूं मैं, बताना जरा। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्स्चर्स, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, लिख दिया मैंने ब्रैकेट में ट्रेडिंग, स्टॉक, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस, कैश एंड डेट, और एक वो जो एसेट बेची थी फर्नीचर, उसको या तो कैश एंड बैंक में जोड़ लो या फर्नीचर डेटर्स कर दो। तो फर्नीचर डेटर कर दें, ब्रैकेट में लिख भी दिया है सोल्ड। कैसा लगा? अब सारे पॉइंट ना पहले पढ़ते हैं, उसके साथ साथ करेंगे। फर्स्ट का तो कोई रिलेशन है मशीनरी से है, तो फर्स्ट का लो जरा पहले आप। प्लांट एंड मशीनरी 10,00,000 की थी, हो जाएगी 10,00,000 प्लस 36,000 है, 36,450 इंटू 105%। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 5% बढ़ी थी, तो मैंने ये माना कि अनरिकॉर्डेड वाले की भी बढ़ी। देखो कितना आता है, यहां पे अजम्पशन भी दे दूं, 5% वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड क्या प्लांट एंड मशीनरी हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, थर्ड एजम्पशन राइट। अब हाँ ना तो बोल दे भाई, अदर अदा कितनी आएगी वैल्यू? अच्छा, पहले पॉइंट वाइज करेंगे। स्टॉक की वैल्यू तो चेंज हुई थी 2005 की, उसका तो कुछ नहीं है। डेटर्स को 5,000 से रिड्यूस करना है, ये कम होंगे। डेटर्स देखो कितने ऊपर, 1,95,000 है देखो, तो डेटर्स हो जाएंगे 1,90,000। जिन दिन में चेंज है पहले मैं वो लिख रहा हूं ना, बाद में एज इट इज लिख दूंगा, नहीं समझे? फर्नीचर की वैल्यू 10,000 कम हुई है, बेचा है देखो। फर्नीचर कितने का है? 1,00,000। कब सुनना, 1,00,000 माइनस 10,000 का 105% लोगे ना, बताओ क्यों? क्योंकि उसने तो सारी फिक्स एसेट्स बोला है ना बढ़ गई है। देखो पॉइंट नंबर 3 में, ये भी हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट केवल 20% लेनी है, ट्रेडिंग कितनी है? 3,00,000, 3,00,000 का 20%, सिर्फ 60,000 लेनी है। बोलो, 80 तो नॉन ट्रेडिंग की हटा दिया, बस और तो कुछ नहीं है। बाकियों की बुक वैल्यू कोई मार्केट वैल्यू मान लो। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 10,00,000, उसको भी 10% बढ़ाओगे 11,00,000 हो जाएगी। 5% हाँ, 5% गुड, मैं चेक कर रहा था ये लड़की फर्स्ट आई है।
50,000 हो जाएगा, 10,50,000। व्हीकल्स ये भी फिक्स एसेट होते हैं, इनकी भी बढ़ाओ 5%। दो लाख दस हजार स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं है, 2,10,000। प्रीपेड एक्सपेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, 40,000। एडवांस में कोई परिवर्तन नहीं है, 45,000। कैश एंड बैंक में कोई परिवर्तन नहीं है, 2,00,000। और फर्नीचर की सेल को याद हो, हमने अनरिकॉर्डेड माना था, तो जो 6,000 रुपये आने हैं रिपीट, वो मैंने यहाँ दिखा दिया। कैसा लगा? मस्त। अब इसका टोटल बता दो, कितना रहा है? एक बार आप ही चेक करो भैया, 33,93,733। गलत हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, कटिंग बहुत हो जाती है ना। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ले लो, कौन कौन सी है देखो जरा। सिक्योर्ड लोन डिवेंचर्स के 2,00,000, अनसिक्योर्ड लोन्स 1,50,000, डिपॉजिट्स 1,00,000, बैंक लोन 50,000, क्रेडिटर्स 1,50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,00,000, प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 2,00,000। चेक करना फिगर सब ठीक है ना। टोटल बताओ कितना आ रहा है इसका, फिगर भी चेक कर लो ठीक है, और टोटल बता दो। कितना? आप भी चेक कर लें। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ए बी, ए माइनस बी, देखो क्या आता। आप कर रहे हो चेक नमिता? ट्वेंटी थ्री लैख आ गया। अच्छा, अब आपने नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकालना है, क्लोजिंग पे या एवरेज पे? क्लोजिंग पे, तो नोट दे देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन
क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वी कैन ऑल्सो यूज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। कैसा लगा जी? बोलो। अब चले सुपर प्रॉफिट की तरफ है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकाला था ऊपर देखो, 2,380,000, 2,380,000 लेस, हा हा हा, नॉर्मल प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, टेन परसेंट ऑफ 23,23,773, 2,32,377 सुपर प्रॉफिट। गुडविल नहीं है मतलब, देखो क्या आता है, बोलो। 31,997 सिंस नेगेटिव सुपर प्रॉफिट, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू जीरो। कैसा लगा? मजा आ गया? इसका भी क्या एडवांटेज है, अगर एक शातिर एग्जामिनर हो तो वो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पूछो क्यों, इसमें वैल्यू पर शेयर निकालनी है। अब अगर गुडविल की वैल्यू जीरो नहीं आती तो हर बच्चे की अलग आएगी, क्योंकि वो एजम्पशन बेस्ड है, फिर हर बच्चे का वैल्यू पर शेयर भी फर्क आएगा। अब उसने चक्कर ऐसे लाएगा गुडविल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वैल्यू पर शेयर तो कम से कम सबकी सेम आएगी नहीं। बाकी कह रहा हूं मैं, एक बात है, ये क्वेश्चन का आंसर मैच करना तो बड़ा मुश्किल है, एजम्पशन बेस्ड टोटली। चले आओ जी, अब वैल्यू पर शेयर, चलो अब नेट एसेट एज अब ऊपर निकाली हुई है ना आपने, वो तो फॉलो कर लो ना, 23,23,773, 23,23,773 यही थी ना। हाँ अब देखो क्या क्या चीजें अनरिकॉर्डेड थी उसके अंदर, गुडविल जीरो वैल्यू ही नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी कर लिया था, लैंड एंड बिल्डिंग कर लिया था, फर्नीचर फिक्स कर लिया था, व्हीकल कर लिया था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट याद है 80% कितना, 2,40,000 आ रहा है यार, स्टॉक कर लिया था, डेटर कर लिया था, प्रीपेड एक्सपेंस कर लिया था, कैश कर लिया था, प्रीमियर एक्सपेंसेस लेते हैं, लाइब्रेरी साइड पे सब कुछ कर दिया था नहीं। अब देखो नेट एसेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कितना आता है, शेयर होल्डर लिखा है ना, 25,63,770 माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,00,000 और उनका डिविडेंड भी है नीचे देखो
30,000, तो 3,30,000 करो नेट एसेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितना आएगा, 22,33,773। अब सुनो, अब VPS विदाउट नोशनल कॉल, सुन रहे हो, बिना नोशनल कॉल के दो मेथड होता है ना, विद नोशनल कॉल विदाउट नोशनल कॉल। विदाउट नोशनल कॉल मतलब होता है कि नियर फ्यूचर में हम कॉल नहीं मांगने वाले, विद नोशनल कॉल तब लगाते हैं जब नियर फ्यूचर में कॉल मांगने वाले होते हैं। तो विदाउट नोशनल कॉल में सबसे पहले आप निकालो वैल्यू पर रुपी, वो जाता है नेट एसेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल 22,33,773 डिवाइडेड बाय, देखो कितनी है, पहली वाली तो फुल्ली पेड है 8,00,000, दूसरी वाली भी फुल्ली पेड है 4,00,000 नहीं 8 पेड है, तीसरी वाली 5 पेड है, तीसरी और पांचवी फुल्ली पेड है, अलग अलग क्यों दिए, नहीं पांचवी फुल्ली पेड नहीं है, ठीक कर लेना, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच फुल्ली पेड नहीं है, 30,000 फुल्ली पेड कैसे होंगे, 4 पेड कर लो, 4 पेड है तभी तो 1,20,000 आएगा, करेक्शन कर लेना 1,20,000, समझ गए, पहली वाली है 8-10 फुल्ली पेड, दूसरी वाली है 10-8 पेड, तीसरी वाली है 5 फुल्ली पेड, चौथी वाली है 5-4 पेड, तभी 1,20,000 आएगा ना। अब करो जरा इसका वैल्यू पर रुपी, जीरो पॉइंट 6715 ये मैं बैलेंस शीट का टोटल देखना मैच हो रहा है, बैलेंस शीट का टोटल, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इतना लॉस क्यों आ गया, तो बैलेंस शीट टोटल मैच हो रहा है, देखना नहीं वो तो करते हैं बैलेंस शीट टोटल देखते हैं 1.4 हाँ यही तो गड़बड़ कर रही है, तभी तो मैं वही गड़बड़ किया था, इसी से तो मेरे मन में है मारा था, हाँ क्या रहा 1.489 आगे बस, मैं वही कह रहा था ना पॉइंट्स नहीं द्वारा लॉसेस तो है नहीं और मशीन की वैल्यू हमने बढ़ाई थी तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, समझ आ गया नमिता, आपने गलत निकाला था, क्लियर हुआ है, हाँ चेक करो, मजा आ गया इधर, अब इधर देखो जी, VPS इज इक्वल टू वैल्यू पर रुपी इंटू पेड वैल्यू, अब सुन लो ध्यान से सुनो भाई साहब, ध्यान से सुनो, ₹10 फुल्ली पेड तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1.489182 इंटू 10 ₹14.89 ठीक। सेकंड ₹10 8 पे 1.489182 इंटू 8 जरा करके बताना, दो डेसिमल राउंड
वन करो, थ्री है तो वन, ठीक है। थर्ड रुपीज फाइव फुल्ली पेड, 1.489182 इंटू फाइव, बताओ 7.445। फोर्थ रुपीज फाइव फोर पेड, फोर्थ वाला शेयर ठीक कर लेना, बुक में अगर गलत किया हुआ है, कई बुक्स में गलत है, ठीक कर लें, अगर ठीक है तो अच्छी बात है। इंटू फोर, नाइन फाइव नाइन सिक्स, कैसा लगा जी? चार वैल्यूज मैंने निकाल दी, 9वीं को अच्छा है जरा। राइट, चले। अब ना ये तो हमारी कौन सी वैल्यूज आई है, बड़ा लफड़ा है, बच्चे कहेंगे यार ये तो खून पी लिया सवाल ने, कई बच्चे कहते हैं ना ऐसे होता है कोई, ये कम डिविडेंड है, पेशेंस वाले हैं। अब एक्स डिविडेंड पे आ जाओ, अब डिविडेंड की वैल्यू देखो कितनी रखी है इसने, 150,000। जरा चेक करो डिविडेंड, इसने बताया नहीं कैसे कैलकुलेट किया। एक काम करो जरा सबकी फेस वैल्यू जोड़ दो, कई बार क्या होता है पेड वैल्यू भी देगा ना डिविडेंड, तो जोड़ दो जरा सारा, 8 और 4 12 12 और 1 80 15 10% है डिविडेंड, 10% है, देख लो। तो अब आ जाओ थोड़ा शॉर्ट में लिखूँ या बड़ा करके लिखूँ, बोर हो गए तो बस शॉर्ट कर देता हूँ। VPS एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू VPS कम डिविडेंड माइनस DPS, समझे? आपके लिए छोटा कर दिया। देखो फर्स्ट रुपीज 10 फुल्ली पेड क्या होगा, 14.89 माइनस 10% ऑफ रुपीज 10, 13.89 जचा। सेकंड रुपीज 10 8 पेड, 14.89 नहीं, 11.91 माइनस 10% ऑफ 8, 80 पैसे कम हो जाएगा, 11 रुपये 11 पैसे। देखो जरा कैलकुलेशन चेक कर लें, रुपीज फाइव फुल्ली पेड 7.45 माइनस 10% ऑफ 5, 5 रुपये का 50 पैसे कम हो जाएगा, 6.95। फोर्थ रुपीज फाइव फोर पेड 5.96 इंटू माइनस 10% ऑफ 4 रुपये, 40 पैसे, 5.56। कैसा लगा जी कैलकुलेशन, ठीक है? देख लिया आप लोगों ने, मजा आ रहा होगा। अब फिर से करते हैं एक और कॉन्सेप्ट, VPS विद नोशनल कॉस्ट, नंबर देख के एग्जाम में तय करना कि दोनों मेथड से करना है या एक से, समझ गए? मैं तो आपको नॉलेज बढ़ा रहा हूं इसलिए दोनों से करना, सुन रहे हो ना मेरी बात? नेट एसेट, नेट एसेट एज अब कितनी निकाली थी ऊपर देखो, ना ये वाली, ठीक है 22,33,773 यही था ना, मतलब एड नोशनल कॉस्ट करो, 50,000 शेयर का 2 रुपये नहीं, और 30,000 शेयर का 1 रुपये, एक लाख
30,000, बताओ 23,63,773, ठीक है। अब VPR नेट एसेट इंक्लूडिंग नोशनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तेईस लाख 63,773 अब टोटल फेस वैल्यू करो, पहले वाले की 8 लाख होगी, दूसरे वाले की 5 लाख होगी, तीसरे वाले की 180 होगी और चौथे वाले की 1.5 लाख होगी, हाँ क्या ना बोलो, देखो क्या आता है। ठीक है बेटा, अभी जरा उदास तो नहीं हो रहे ना, सही समझ आ रहा है ना। अब VPS इज इक्वल टू VPR इनटू फेस वैल्यू माइनस कॉल्स नॉट मेड, समझा। अब फर्स्ट ₹10 फुली पेड 1.450167 इंटू 10 माइनस 0 क्या आएगा ₹14.50। सेकेंड ₹10 8 कॉल्ड एंड पेड 1.450167 इंटू 10 माइनस 2 यानी ₹12.50। थर्ड ₹5 फुल्ली पे 1.450167 इंटू 5 माइनस 0 ₹7.25 देखना यही आता है। फोर्थ ₹5 4 कॉल्ड एंड पे 1.450167 माइनस 5 माइनस इंटू 5 माइनस 1 ₹6.25 बताओ भी ठीक है कि नहीं। जरा 5 वाला मल्टीप्लाई करके देख ले 26 पैसे हो सकता है वो, समझ गए ना, 25,000 आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, ये तो कौन सी आ गई, कम डिविडेंड, ठीक है। अब लास्ट पड़ाव की तरफ, बच्चों का धड़कने बढ़ गई है कि चलो काम खत्म। VPS एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू VPS कम डिविडेंड माइनस DPS, फर्स्ट ₹10 फुल्ली पेड, समझ आ गया ना, 14.50 माइनस इसका वही 10% ऑफ 10 लोगे ना, ₹1 कम हो जाएगा ₹13.50। सेकेंड ₹10
एड कॉल्ड एंड पेड 14.50 रुपये माइनस 10% ऑफ एट 80 पैसे कम करना जरा 13.70 रुपये जरा चेक कर लेना ठीक है। नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, ₹11.70 चेक करना ठीक है। ₹5 फुल्ली पेड हैं ठीक है ना, क्या हो जाएगा 7.25 माइनस 10% ऑफ 5 50 पैसे कम ₹6.75 ₹5 4 कॉल्ड एंड पेड 6.25 माइनस 10% ऑफ 4 40 पैसे कम होगा तो ₹5.85 देखना प्लीज चेक कर लेना, मैं ओरली कर रहा हूँ। सही है सर ठीक है कैसा लगा जी? तो बच्चों ने देखा कि सर ने पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर वाइज करा दिया, देखा जाए गुडविल का भी और वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड दोनों तरीके से करा दिया मैंने। ये कराया था विद नोशनल कॉल, देखिए विद नोशनल कॉल देख रहे हैं ये नोशनल कॉल, और पहले करा दिया था विदाउट नोशनल कॉल, दोनों करा दिया। तो एग्जाम में नंबरों को देख के देख लेना, दोनों से कर देना या एक से कर देना क्लियर। कम डिविडेंड अलग निकाल दिया, एक्स डिविडेंड अलग निकाल दिया, थम्स अप।